समय गवाह है, जिसने कांग्रेस छोड़ी आज वे राज कर रहे हैं। शरद पवार, ममता बनर्जी, हेमंत बिस्व शर्मा, जगन मोहन रेड्डी हैं बड़े उदाहरण। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद सरीखे नेताओं ने कांग्रेस छोड़ने पर हासिल की अपनी राजनीतिक जमीन। झारखंड में भी हो रही कांग्रेसी विधायकों के टैलेंट की अनदेखी। आने वाले दिनों में वे कैसे करेंगे परफॉर्म? अधिकारी तो छोड़िए, दारोगा तक बात नहीं सुनते। क्षेत्र में खिसक रही है उनकी राजनीतिक जमीन। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड कांग्रेस में कई ऐसे नेता और विधायक हैं जिनमें दम तो है, लेकिन वे पार्टी में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? ये समझ से परे है। झारखंड में कांग्रेस सत्ता में भी है, फिर भी उनकी शिकायत है कि उनके साथ माननीयों जैसा सलूक नहीं हो रहा। एक नहीं, अनेक बार उन्होंने इस बात की शिकायत की है। कई बार उनके कथन से भी सिद्ध होता है, लगभग आधा दर्जन विधायक और उतने ही बड़े नेता कई अवसरों पर कह चुके हैं कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। कांग्रेस की तेज तर्रार विधायक दीपिका पांडे सिंह और बड़का गांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद की पीड़ा तो जग जाहिर हो चुकी है। दीपिका पांडे सिंह ने तो रुआं से भाव से कहा कि कैसे एक थाना प्रभारी ने उनके ऊपर केस कर दिया। अंबा प्रसाद ने कहा कि एक निजी कंपनी के प्रभाव के कारण हजारीबाग जिला प्रशासन उनकी नहीं सुनता। इनकी पीड़ा अखबारों की सुर्खियां भी बनी है। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की पीड़ा बार बार सामने आती है। कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे जब रांची आए या उन्होंने जब कांग्रेसियों को दिल्ली बुलाया, तो कांग्रेस के नेताओं समर्पित कार्यकर्ताओं ने आरोपों की छड़ी लगा दी। जाहिर है, पार्टी के सत्ता में रहने के बावजूद अगर अधिकारी कांग्रेसी नेताओं की बात नहीं सुनेंगे तो पार्टी की स्थिति को संवारने और जनता के बीच में अपनी पैठ को और मजबूत करने का जो सुनहरा अवसर उन्हें मिला है, वो यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। उनके परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ेगा। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। आज वे सरकार का हिस्सा हैं, कल शायद घर बैठना पड़े, लेकिन जो समय उन्हें मिला है इस दरमियान वे अपने क्षेत्र की जनता के लिए समय रहते कुछ कर पाएं, यही उनकी असली चाहत है और जरूरत भी। लेकिन जब उनकी प्रशासन और सरकार में सुनी ही नहीं जाएगी, तो फिर वे जन और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे कर पाएंगे? सिर्फ एक बार के विधायक या मंत्री ही बनकर रह जाएंगे, उनका पॉलिटिकल करियर का ग्रोथ प्रभावित होगा। एक वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन कांग्रेस के एक बड़े नेता जो अभी मंत्री भी हैं, उनके पास मैं बैठा हुआ था। किसी बात को लेकर वो राज्य के पुलिस के बड़े अधिकारी से बात करना चाहते थे। उन्होंने मोबाइल पर नंबर मिलाया, पूरा रिंग हुआ, लेकिन उधर से आवाज़ नहीं आई। उसके बाद उन्होंने एक आईएएस को फ़ोन लगाया, मोबाइल की घंटी पूरी बजी, लेकिन उस अधिकारी ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद उन्होंने अपने पीएस को फ़ोन लगाया, उसने भी बात नहीं की। मंत्री ने ये कहकर बात को टालनी चाहिए कि शायद छुट्टी का दिन है, इसलिए अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। उनके सामने ही एक पत्रकार ने पुलिस के उस बड़े अधिकारी को फोन लगाया, उसने मोबाइल उठा लिया और पूरी बात की। आईएएस ने भी ऐसा ही किया। अब आप खुद ये सोचें कि महागठबंधन सरकार के अधिकारियों की नज़र में इन कांग्रेसी नेताओं विधायकों की क्या अहमियत है। जब अधिकारी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में मंत्री का फोन नहीं उठा रहे, तो सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ क्या बर्ताव करते होंगे, ये बात कांग्रेस आलाकमान को भी पता है। लेकिन उनका जो शीर्ष नेतृत्व है, उसे बस पार्टी के युवराज यानी मात्र राहुल गांधी की ही चिंता है। इस चिंता ने कांग्रेस के कई युवा नेताओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनका करियर का क्या होगा। ऐसे में ग्रैंड ओल्ड पार्टी को अपने को गोल्ड मानते हुए ओल्ड ही चला लें, क्योंकि नए के लिए कांग्रेस में नयापन तो कुछ है ही नहीं। जब होगा तब तक ये युवा भी ओल्ड हो चुके होंगे। ऐसे में वे सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड ओल्ड पार्टी की पेंशन योजना का लाभ उठा पाएंगे।
आत्मविश्वास से लबरेज और देश के लिए कुछ कर दिखाने का मादा जज्बा लिए कांग्रेस के कई युवा नेताओं ने पार्टी का त्याग कर दिया, क्योंकि इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी में उन्हें अपना करियर बर्बादी की राह पर दिख रहा था। कांग्रेस छोड़ किसी दूसरे दल में ज्वाइन करते ही आज वे सत्ता में भी हैं और अपना शत प्रतिशत भी दे रहे हैं। इनमें पहला नाम है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का। उन्होंने 2014 में कांग्रेस से नाता तोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। वो न सिर्फ आज असम के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि पार्टी में आज उन्हें योगी 2 के नाम से जाना जाता है। हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में उनकी बड़ी पहचान भी बन रही है। अन्य नाम हैं केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और योगी सरकार में मंत्री बने जितिन प्रसाद का। आज दोनों फिर से अपनी खोई प्रतिष्ठा को हासिल कर रहे हैं। वहीं पार्टी में कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने पार्टी की खातिर अपना सब कुछ त्याग दिया, घर परिवार से लेकर गांव ज्वार तक, लेकिन आज भी वे कांग्रेस में एक गुमनाम कार्यकर्ता ही बनकर रह रहे हैं। उन पर आलाकमान की कृपा नहीं बरसी। समय गवाह है कि जिन्होंने समय रहते कांग्रेस का त्याग कर दिया, वे देश में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं और कई राज्यों में तो वे कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी बनकर सत्ता संभाल रहे हैं। इनमें शरद पवार से लेकर जगनमोहन रेड्डी और ममता बनर्जी तक का नाम लिया जा सकता है। समय रहते जो चेत गए और कांग्रेस छोड़ अपनी अलग राह नाप ली, वो आज या तो अपनी खुद की सफल पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं या सत्ता में अपना सहयोग दे रहे हैं। आज बार बार सवाल उठ रहा है कि क्यों कांग्रेस सिर्फ 3 लोगों की फैमिली पार्टी बनकर रह गई है। क्या होगा झारखंड के दमखम वाले कांग्रेसी नेताओं विधायकों का भविष्य? क्या हुआ है इतिहास में और क्या है वर्तमान की स्थिति? उसी के आधार पर देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का आकलन कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। सबसे पहले झारखंड के वर्तमान की बात करते हैं। आज झारखंड में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। उस घमासान के केंद्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा ही है। कांग्रेस दूर दूर तक न तो दिखाई पड़ रही है न सुनाई। दिखाई सुनाई का यहाँ अर्थ भ्रष्टाचार में भागीदारी से नहीं, सत्ता शीर्ष पर लग रहे आरोप के विरोध की है। हो सकता है कांग्रेस विरोध कर भी रही हो, लेकिन न तो कहीं दिख रहा है और न ही कहीं सुना जा रहा है। आज झारखंड में सिर्फ 2 ही पार्टी का नाम लोगों की जुबान पर है, झामुमो और भाजपा, क्योंकि दोनों ने आरोप प्रत्यारोप के सभी मुद्दों को जड़ से उखाड़ दिया है। आज राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियों ने राजनीतिक बयानबाजी का गर्दा उड़ा दिया है। पूजा सिंघल नाम की अधिकारी के कारनामों ने झारखंड की राजनीति का अचानक तापमान बढ़ा दिया है। पूजा ने धन की इतनी पूजा की कि जब ईडी ने उनके ठिकानों पर छापा मारा तो इतने पैसे मिले कि पैसा बोल ही नहीं रहा, लाउडस्पीकर से भी तेज चिल्ला रहा है। पैसा चीख चीख कर कह रहा है कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। लेकिन सनम जो हैं वो कह रही हैं ना 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 रे, ना 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 रे। तभी उनके वफादार सीए सुमन कुमार ने अपना मुंह खोल दिया। बेवफाओं की इस मंडी में न जाने और कितने दगाबाज मिलेंगे। उसके बाद तो पूजा सिंघल करवटें बदलते रहे, सारी रात हम वाली मोड में आ गई, यानी जेल में नींद नहीं आ रही है, वो करवट बदल रही हैं। उनका वो नाजायज पैसा जो अपने वफा के कसीदे पढ़ रहा है, लेकिन समय की मार देखिए कि उस बेवफा ने तो उसे अपनाना तो दूर, उसे अपना नाम तक देने को राजी न हुए। इस भ्रष्टाचार के हमाम में न जाने कितने नंगे होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करते हैं झारखंड के महागठबंधन की। इसके 3 हिस्सेदार हैं, झामुमो, कांग्रेस और राजद। एक तरफ झामुमो की बात तो अधिकारी इतनी सुन रहे हैं कि उसने सत्ता को हिलाकर रख दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तो सुन ही नहीं रहे हैं, और बचा राजद जिसको उम्मीद ही नहीं कि उसकी सुनी भी जाएगी। झारखंड में छिड़े भाषा विवाद में राजद की औकात का पता चल गया है। वो उफ तक कहने की स्थिति में नहीं है।
उसकी दयनीय स्थिति और विवशता को देखकर समझ में ही नहीं आता कि रजत सरकार का हिस्सा है। रजत के नाम के एक मंत्री हैं, उनका काम कहीं नजर नहीं आता है। हाँ, सूट तो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 36 सिलवा लिए हैं। शादी विवाह या अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों में उनके सूटों की नुमाइश देखकर अब लोग चटखारे लेने लगे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनमें से एक दर्जन सूट तो मंत्री सत्यानंद भोक्ता अपनी गाड़ी में ही रखते हैं और एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले उसे वो गाड़ी में ही बदल लेते हैं। यानी दिन भर में जितने कार्यक्रम उतने सूट मंत्री जी बदलते हैं। अपने मंत्रित्व काल के 26 महीने में मंत्री जी का क्षेत्र में प्रभाव कितना बढ़ा है ये तो नहीं पता, लेकिन उनका वजन 15 से 20 किलो जरूर बढ़ गया है। ओ सॉरी, असली टॉपिक से मैं जरा भटक गया था। क्या करूं, ये झारखंड की राजनीति ही ऐसी है। यहाँ हर मोड़ पर एक नया रास्ता दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन कांग्रेसी नेताओं विधायकों को ये नए रास्ते दिखाई नहीं पड़ते, या फिर वे किसी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें वही पुराना रास्ता पसंद है। अगर राजनीति के 3 यार भी मिल जाएं तो उनकी एक ही टॉपिक पर गाड़ी अटक जाती है। वो कौन सा टॉपिक है ये हर कांग्रेसी जानता है, शायद हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी। अभी राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन शिविर खत्म हुआ है। उसमें कांग्रेस के अन्य नेताओं के लिए ये नियम बन रहा है कि उनके एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, यानी एक व्यक्ति एक पद का पालन होगा। लेकिन गांधी यानी सोनिया गांधी परिवार इसमें अपवाद है। अब इस नियम का क्या मतलब रह जाएगा ये कांग्रेस आलाकमान ही जाने। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस का आलाकमान, जहां पर ये मंथन चल रहा है, आलाकमान वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये कहने की स्थिति में है कि या तो वे चुनाव लड़ें या उनके पुत्र। हरियाणा में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी कोई ये कहने का साहस नहीं जुटा सकता कि या तो वे चुनाव लड़ें या उनके पुत्र। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस का ये नियम बड़े नेताओं और उनके परिवार पर लागू नहीं होगा। हाँ, सामान्य कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए ये नियम बनने जा रहा है। जाहिर है, अगर आलाकमान ने ये नियम बना दिया तो इसे कांग्रेसी नहीं मानेंगे और पार्टी की फजीहत ही होगी। दरअसल कांग्रेस की हालत उस पुरानी एम्बेसडर कार की तरह हो गई है जिसका देश में एक वक्त दबदबा था। हर कोई एम्बेसडर खरीदना या एक बार उसकी सवारी करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मार्केट में नई नई गाड़ियां आई उसका मार्केट डाउन होता गया। फिर एम्बेसडर कार में कई परिवर्तन किए गए, उसका एक्सटीरियर बदला गया, उसका इंटीरियर बदला गया, कई प्रकार के कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए, और तो और नया इंजन तक जापान से लाकर बदल दिया गया। लेकिन हुआ क्या, मार्केट से आउट। लोग कहने लगे हाथी पालो या एम्बेसडर कार एक बराबर है। कांग्रेस की भी हालत उसी एम्बेसडर कार की तरह हो गई है। एक वक्त था जब हर दूसरा व्यक्ति कांग्रेसी हुआ करता था। कांग्रेस पार्टी का होना मात्र उनके लिए गौरव और उपलब्धि के समान होता था, लेकिन जैसे ही देश में नई नई पार्टियों ने एंट्री की, जनता को नयापन मिलने लगा, जनता को उनके अनुसार विचारधाराओं वाली पार्टियां मिलने लगी, उसके बाद कांग्रेस ने अपना मेक ओवर शुरू किया जिसको लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन ये तल्ख सच्चाई है कि जो कांग्रेस में रह गया वो पहचान के संकट से गुजरने लगा, और जिस कांग्रेसी ने अपना रास्ता बदल दिया उसने अपनी और देश की तकदीर भी बदल दी। वो खुद में कांग्रेस से बड़ा हो गया। उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र के शरद पवार का नाम लिया जा सकता है। उन्होंने जोखिम उठाया, 1999 में कांग्रेस छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, और वो पार्टी महाराष्ट्र में न सिर्फ कांग्रेस से बड़ी हो गई बल्कि शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक बने। दूसरा उदाहरण ममता बनर्जी का है। वो कांग्रेस में घुट रही थीं, उन्होंने जोखिम उठाया, 1998 में कांग्रेस छोड़ी, संघर्ष किया और अपनी पार्टी को मुकाम तक पहुंचा दिया। आज वो 11 साल से लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उनकी पार्टी बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी है। जगन मोहन रेड्डी को ही लीजिए, उन्होंने 2009 में कांग्रेस को छोड़ा, खूब संघर्ष किया,
अपनी पार्टी बनाई आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ताजा उदाहरण हेमंत बिस्व शर्मा का है, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, भाजपा का दामन थाम लिया और आज वो असम के मुख्यमंत्री हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेसियों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनके लिए टैलेंट के परफॉर्म करने की एक सीमा तय कर दी गई है, उससे ऊपर वे नहीं जा सकते। आज के समय में कांग्रेसियों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण सामने है, वो है सचिन पायलट का। सचिन पायलट में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने बार बार उनकी उपेक्षा ही की है। उनके लिए ये सीमा रेखा तय कर दी गई है कि चाहे अशोक गहलोत ठीक से चल नहीं पाए, सोच नहीं पाए, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहेंगे। कांग्रेस में इसी उपेक्षा के शिकार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बने थे, जबकि वो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के मित्र भी थे। उन्होंने समय को पहचाना और राह बदल दी। आज वो भाजपा में केंद्रीय मंत्री हैं, वो अगली कतार के नेता भी हैं, भाजपा में उनका प्रभाव बढ़ा है। सचिन पायलट में खुद को स्थापित करने की सारी संभावनाएं हैं। जाहिर है कांग्रेस पार्टी अगर इसी तरह उन्हें उपेक्षित करेगी तो वो एक और युवा नेता खो देगी। वही सचिन पायलट जोखिम उठाते हुए खुद की पार्टी बना लें तो इसमें संदेह नहीं, वो आसानी से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं और कांग्रेस को आसानी से टक्कर दे सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का जो चिंतन शिविर चला, उसमें सचिन पायलट पर भी मंथन जरूर हुआ होगा। इसी तरह हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी का बड़ा नाम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस का एक और बड़ा चेहरा, कर्नाटक के बीके शिवकुमार, महाराष्ट्र के नाना पटोले और अशोक चव्हाण, कांग्रेस में ऐसे कई बड़े नाम हैं जो अगर ठान लें तो पार्टी को अपने दम पर हिलाकर रख सकते हैं। इसी तरह झारखंड में भी कांग्रेसी नेताओं में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। विधायकों की बात करें तो अंबा प्रसाद का नाम सबसे पहले आता है। उनका एक लंबा करियर है जो झारू भी हैं, लेकिन उनकी हालत देखिए, हजारीबाग के डीसी उनकी बात नहीं सुनते, एसपी उनकी बात नहीं सुनते, एक दर्जन अफसरों पर वो इसका इजहार कर चुकी हैं। बावजूद इसके वो बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ इससे भी नापा जाता है कि सोशल मीडिया पर लगातार उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ रही है। इसी तरह कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह की स्थिति भी देख सकते हैं। एक दो अवसरों पर वो ये कहते हुए रुवांसी हो गईं कि डीसी और एसपी उनकी सुनते ही नहीं, और तो और एक दारोगा की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने उन्हें टाँट कर न सिर्फ भगा दिया बल्कि उनके खिलाफ FIR तक दर्ज कर ली। रामगढ़ के विधायक ममता कुमारी, कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख को ही देख लीजिए, वो अगर कोई समस्या लेकर वरीय अधिकारी के पास चले जाएं तो नहीं सुनी जाएगी। दारोगा तक को उन्हें काम कराने के लिए फटकार लगानी पड़ती है। मंत्री रामेश्वर उरांव की स्थिति कम दुखद नहीं है। सच्चाई ये है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के वरीय अधिकारी उनसे बात करना नहीं चाहते, बात हो भी गई तो वो कोई काम नहीं करा सकते। इरफान अंसारी तो एक नहीं अनेकों बार इस बात का रोना रोते रहे हैं कि मंत्री उनकी बात ही नहीं सुनते, वो तो मंत्रियों को अक्षम तक बता रहे हैं। कांग्रेस के लगभग एक दर्जन विधायक और इतने ही नेता हैं जो चाहे तो अपने बूते बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। वे भी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि परिस्थितियां जटिल होती जा रही हैं, लेकिन जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं होने के कारण दिनों दिन उनकी स्थिति राजनीतिक रूप से कमजोर होती जा रही है। कई विधायक तो ये कहते भी सुने जा रहे हैं कि उनकी राजनीतिक जमीन पर झामुमों ने कब्जा जमा लिया है। वो ये भी कहते हैं कि समय आने पर वे उचित कदम उठाएंगे। पिछले दिनों कांग्रेस के कुछ विधायकों के बिकने या पाला बदलने की चर्चा खूब हुई। ये चर्चा बाहर से नहीं हुई, खुद बिकने वाली बात पर कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह ने थाने में FIR दर्ज कराई। खूब बवाल हुआ, फिलहाल ये मामला दबा हुआ है, लेकिन उसका मलाल कई विधायकों के दिल में है। वे कहते हैं समय आने दीजिए, हम भी बता देंगे कि कितना दम है हमारे बाजुओं में। अगर निकट भविष्य में कांग्रेस में बहुत बड़ा धमाका हो जाए तो इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी।
कांग्रेस में अपना जीवन खपा देने वाले कांग्रेसियों की एक पीड़ा ये भी है कि कांग्रेस का झंडा ढोते ढोते वे बुढ़ा गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरे दलों से आने वाले और पूर्व में कांग्रेस की कब्र खोदने वालों को आते ही सब कुछ दे दिया गया। इसकी मुखालफत उन्होंने आला कमान से भी की है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि चुनाव में 2-4 हजार वोट लाने वाले लोग भी कांग्रेस के खेवनहार वाली कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के एक बड़े वर्ग में आज देश में हिंदुत्व के मुद्दे पर जो उबाल आया हुआ है उससे वो सहमत हैं, लेकिन वे उस पर अपना विचार नहीं रख सकते, क्योंकि हाल के दिनों में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष के वोट पर केंद्रित होती जा रही है और उस वर्ग का विश्वास ही वो हासिल नहीं कर पा रही है। अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के चुनाव में कांग्रेस को इसी नीति के कारण मुंह की खानी पड़ी, और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2024 के चुनाव में हिंदुत्व वाले मुद्दे को लेकर कांग्रेस वहाँ चारों खाने चित हो जाए। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।